इस वीडियो में आप देखिए कि किस प्रकार से ऋषभ पंत की गाड़ी में आग लग गई और इतना बड़ा हादसा हुआ है कि पूरी मर्सिडीज जलकर खाक हो गई। आप देखिए इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के नारसन से, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। मामला क्या है, कैसे यह हादसा हुआ है हम आपको बताएंगे। कैसे नारसन बॉर्डर पर, उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर यह हादसा ऋषभ पंत के साथ हुआ है। हालांकि ऋषभ पंत अभी ठीक है और कहीं ना कहीं उनको बड़ी सर्जरी भी करानी पड़ सकती है, लेकिन अभी की स्थिति ठीक है और उनको मैक्स अस्पताल देहरादून में भर्ती कराया गया है। और आप इस वीडियो में देखिए कार किस तरह से जलकर खाक हो गई है और किस प्रकार से ये गाड़ी चल गई है। आप देख सकते हैं ये मर्सिडीज गाड़ी थी और ऋषभ पंत खुद इसको चला रहे थे, दिल्ली से और रुड़की की ओर आ रहे थे और रुड़की में उनका घर है, वो अपने घर आ रहे थे। इसी बीच नारसन आते सुबह सुबह ये हादसा हो गया और उनको एक झपकी सी लगी। झपकी लगकर उनको कहीं ना कहीं उन्हें डिवाइडर दिखाई नहीं दिया और जाकर गाड़ी डिवाइडर में टकरा गई और जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। आप इस वीडियो में देखिए गाड़ी की क्या हालत हो गई है, गाड़ी की पूरी तरह जल गई है और टूट गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऋषभ पंत को आपको बता दें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इमरजेंसी में उनको भर्ती कराया गया। और आसपास के लोगों ने जब देखा कि ये गाड़ी जल रही है, ऋषभ पंत को बाहर निकाला और उसके बाद में जो साथ में जो लोग थे उनको निकाल कर ऋषभ पंत को बाहर निकाला और 108 में उनको देहरादून मैक्स अस्पताल में भेजा, जहां पर उनको भर्ती कराया गया। आप देखिए ये वीडियो।